अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को सिखाऊंगी व्हाइट चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे वो ये हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 टीस्पून हाफ एंड हाफ या फिर हैवी क्रीम, 170 ग्राम बटर रूम टेम्परेचर पे, 1.5 कप आइसिंग शुगर सिफ्टेड, 115 ग्राम व्हाइट चॉकलेट चिप्स या फिर आप व्हाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको गर्म करेंगे और एक डबल बॉयलर बना के आपने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट करते वक्त मेक श्योर कि पानी के जो वेपर्स हैं वो चॉकलेट में नहीं जाएं, वरना आपकी आइसिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि चॉकलेट चिप्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। व्हाइट चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आपने इसको जस्ट मेल्ट ही करना है, बॉयल नहीं करना है। और इसको मेल्ट कर लेने के बाद आप इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दीजिए। एंड नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। अब मैं स्टैंड मिक्सर में बटर ऐड करूंगी और इसे मीडियम स्पीड पे इतना बीट करूंगी कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो नॉट एन इश्यू, आप हैंड मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को बीट करने के बाद उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा, यह आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर के एट ए टाइम ऐड करती जाऊंगी और इसको बटर के साथ स्लो स्पीड पे बीट कर लूंगी। तो इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर के मैं ऐड करती जाऊंगी और इस पूरी आइसिंग शुगर को मैं बटर के साथ में अच्छे से बीट कर लूंगी, लेकिन स्लो स्पीड पे। तो ये स्टेप कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो पूरी आइसिंग शुगर बटर के साथ बीट करने के बाद अब इसमें मैं मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ऐड करूंगी और इसको बीट करूंगी। आपने इसको हाई स्पीड पे 2 से 3 मिनट के लिए इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी और क्रीमी हो जाए। अगर आइसिंग थिक है तो इसी स्टेज पे आप 1 से 2 टीस्पून व्हिप क्रीम के ऐड कर देंगे। मैं ऐड नहीं कर रही बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको 3 मिनट हाई स्पीड पे बीट करने के बाद इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी फ्लफी व्हाइट चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार है। आप चाहें तो अपने चॉइस के फूड कलर से इस आइसिंग को कलर भी कर सकते हैं। तो इस आइसिंग को कपकेक्स पे यूज कीजिए या फिर केक में एज ए लेयर, आपकी चॉइस है। और टेस्ट में भी ये बहुत मजे की बनती है, तो जरूर बनाएं, मुझे फीडबैक दीजिए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।